स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है और आज मैं आपके लिए लाया हूं एक मजेदार टॉपिक जो आपको काफी मजा आने वाला है। ये टॉपिक का नाम है यूज ऑफ इज आर। इज एम आर का प्रयोग आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इस वीडियो को देखने से पहले आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और एक बेल आइकन का बटन होगा ऐसे करके आप इसको आप प्रेस करना ताकि आपको नए नए वीडियो आसानी से नोटिफिकेशन के रूप में आपको मिल सकेंगे। चलिए वीडियो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आप यहाँ पे देखिए, मैं आपका ये देख लीजिए, मैं पेंसिल से ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं जो आपको यहाँ पे देख पा रहे हैं। यहाँ है हेल्पिंग वर्ब इन प्रेजेंट। हेल्पिंग वर्ब का अर्थ होता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को एक पूर्ण वाक्य बनाना, उसका काम है हेल्पिंग वर्ब का काम है जोड़ना और सहायता करना, एक कंप्लीट सेंटेंस बनाना एक होता है। तो चलिए हम आप शुरू करते हैं। एक चीज आप सबसे पहले समझेंगे इज एम आर का प्रयोग। अब इज एम का प्रयोग आप कैसे सीखेंगे, तो सबसे ये आप डायग्राम देखते हैं किस प्रकार बना हुआ है। अब आप बारीकी से इस डायग्राम को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। आप इसमें आप स्किप मत कीजिएगा कि स्किप करने से क्या होगा ना, आपको समझ भी नहीं आएगा, इसलिए उसको बारीकी समझने का प्रयास कीजिए। और आपको ना जो चीज समझ भी नहीं आ रहा है फिर उसके बाद रिपीट रिमाइंडर करके फिर देखिए, जब तक आपको टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तब तक उसको बार बार देखते रहिए। मैं आपके लिए वीडियो ना बहुत शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा क्योंकि लंबे वीडियो ना काफी बोरिंग होने लगते हैं, इसलिए आपको वीडियो होंगे ना शॉर्ट होंगे। चलिए यूज ऑफ इज एम आर। इज एम आर आप समझ गए, ये क्या है, मेरा हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब जो है ना, देखिए कैसे इसको सब्जेक्ट रूप में यूज करते हैं, सेंटेंस में कैसे यूज होते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। इसका तो एक चीज तो क्लियर हो चुका है, तो इज एम आर का प्रयोग जो होगा फर्स्ट पर्सन में भी, सेकंड पर्सन में भी और थर्ड पर्सन में भी। क्लियर। अब हम चलते हैं सिंगुलर नंबर। अब देख रहे हैं फर्स्ट पर्सन का दो भागों में बांट दिए हैं। फर्स्ट पर्सन जो है मेरा सिंगुलर भी होता है और प्लुरल भी होता है, देखिए यहाँ पे बटा हुआ है। उसके बाद आगे चलते हैं, देखिए सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब। एच भी का मतलब हेल्पिंग वर्ब, यहाँ जगह का शॉर्ट होने की वजह से हम एच भी लिखते हैं। एच भी का मतलब हेल्पिंग वर्ब, देखिए सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब। अब यहां पे देखते हैं सब्जेक्ट मेरा क्या है, आई है, तो आई हेल्प वर्ब क्या होगा, एम होगा, तो आई के साथ एम का हेल्पिंग प्रयोग करेंगे। आई मेरा क्या है, सिंगुलर है, आई मेरा सिंगुलर है तो एम भी मेरा सिंगुलर होना चाहिए। तो देखते हैं आई एक एग्जांपल बना के देखते हैं, आई के साथ आता आई एम हैप्पी, इसका अर्थ होता है हिंदी में मैं खुश हूं, समझ गए ना। तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में इन प्रेजेंट में आप एम का प्रयोग करना, क्लियर, ठीक है। आगे चलते हैं, अब आप देख रहे हैं आई के साथ एम का आया प्रयोग, ये सिंगुलर नंबर था। अब प्लुरल में चलते हैं, तो प्लुरल मेरा क्या है, सब्जेक्ट मेरा क्या है, वी है, तो आप ये सोचना पड़ेगा आपको सब्जेक्ट मेरा प्लुरल है वी है तो हेल्पिंग वर्ब मेरा क्या होना चाहिए, आर, हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए आर, वो भी प्लुरल होना चाहिए, इसलिए वी के साथ क्या लगाते हैं, हम आर लगाते हैं। इसमें क्या होता है आपको सिंगुलर और प्लुरल में क्या होता है, सिंगुलर में एक वचन का बोध हो जिसमें एक व्यक्ति स्थान वस्तु का बोध होता है, और प्लुरल में एक से अधिक व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध होता है, समझना। एक हम एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के साथ आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए सेंटेंस देखिए, हम लोग तैयार हैं, हम लोग तैयार हैं। यहां आप देखते हैं कि हम लोग तैयार हैं, तो यहां एक व्यक्ति नहीं है, यहां बहुत सारा व्यक्ति है, कहने का मतलब हम लोग तैयार हैं, बहुत सारा व्यक्ति तैयार है। लिखेंगे वी, अभी के साथ हेल्पिंग होता है आर, आर के बंदरा वर्ड क्या होगा, रेडी, तो वी आर रेडी, सेंटेंस बड़ा कंप्लीट हुआ, कितना इजीली कंप्लीट हो जाता है। देखते हैं वी के साथ आप सोचोगे क्या लगे, आर लगाए, इज लगाए, एम लगाए, तो कुछ भी लगाने जरूरत नहीं है। आप इस स्ट्रक्चर को देखिए, इस डायग्राम को देखिए, आपका हर चीज क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो देखने के बाद आपको एक भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। वी आर रेडी, हम लोग तैयार हैं।
क्लियर, ठीक है। अब हम चलते हैं आपका, मेरा फर्स्ट पर्सन खत्म हो चुका है, अब हम चलते हैं सेकंड पर्सन में। बिना किसी रुकावट, बिना किसी संदेह, बिना किसी भी कारणवश से हम आपको वीडियो को लंबा नहीं खींचेंगे, आपको पॉइंट टू पॉइंट हम बात करेंगे। चलते हैं सेकंड पर्सन। द सेकंड पर्सन क्या है, सेकंड में भी आप देख लीजिए, जिस प्रकार फर्स्ट में सिंगुलर प्लुरल हुआ, ठीक उसी प्रकार सेकंड में भी, सेकंड पर्सन में भी आप ना सिंगल नंबर और प्लुरल नंबर होगा। तो हम देखते हैं, तो सब्जेक्ट मेरा क्या है, यू है, तो यू के साथ हम क्या लगाएंगे, यू के साथ आर लगाते हैं, यू के साथ आर लगाते हैं। आप प्लुरल भी देख रहे हो कि यू के साथ आर ही लगा हुआ है, ऐसा कैसे कैसे समझेंगे, तो देखते हैं। ये दो सेंटेंस में बनाएंगे और दो सेंटेंस बनाने के बाद आपको हम ये आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। देखते हैं कैसे, आप क्यों खुश है, आप क्यों खुश है, ये जो सेंटेंस है ना, इस एक व्यक्ति का बोध हो रहा है, यहां पे लगाएंगे डब्ल्यू एच है ना, तो वाई आर यू, वाई आर यू हैप्पी, वाई आर यू हैप्पी, आप क्वेश्चन मार्क लगाना, क्योंकि ये डबल एच सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी होता है। तो वाई आर यू हैप्पी, आप क्यों खुश है, तो सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर होता है यू, उसके साथ भी आर ही लगाते हैं, और प्लुरल हो तब भी हम आर ही लगाते हैं। एक सेंटेंस और लेते हैं, जैसे आप लोग मूर्ख हैं, ये सिंपल सेंटेंस है, ये लिखेंगे तो आप लोग, तो यू आर बोल देना पुलिस, यू आर पुलिस, समझ के लिए। तो मेरा सेकंड पर्सन में सिंगुलर प्लुरल, तो मेरा सब्जेक्ट होता यू होता, और यू के साथ सिर्फ केवल आर ही लगाते हैं, मेरा सिंगुलर भी हो तो भी और प्लुरल हो तो भी आप इसे आर ही का यूज करेंगे। आगे चलते हैं थर्ड पर्सन में। थर्ड पर्सन में क्या है ना, आपको थोड़ा थर्ड पर्सन पर ध्यान देना हो, क्योंकि थर्ड पर्सन सब्जेक्ट काफी ज्यादा होते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो हम आपको सिंगुलर नंबर में जितने भी सारे सब्जेक्ट है उसके बारे में बारीकी बारीकी से आपको समझाते हैं, और आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। तो सब्जेक्ट है मेरा ये सब्जेक्ट है, समझे ना, ये मेरा सब्जेक्ट रहा, तो सब्जेक्ट के साथ क्या आता है ना सिंगुलर सब्जेक्ट में, ही सी इट दिस दैट देयर एंड सिंगुलर नाउन। अब सबको तो समझ आ गया, आप लोग समझ आ गया होगा कि ही क्या होता है, सी क्या होता है, इट दिस दैट सब, अब सिंगुलर नाउन क्या होता है ये आपको समझना जरूरी। तो सिंगुलर नाउन का अर्थ ये हुआ किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान या किसी भाव को हम क्या कहेंगे, हम सिंगुलर, जिसमें एक जाति का बोध होगा, वो भी स्थान भी हो सकता है, व्यक्ति भी हो सकता है, संस्था भी हो सकता है, फर्म भी हो सकता है, जानवर भी हो सकता है, जंतु भी हो सकता है। तो कहने मतलब ये है, जो एक जाति का बोध कराएगा वहां पर क्या लगेंगे, इसका जरूरी नहीं है ही से इसके साथ ही इसका प्रयोग करेंगे, कोई नाम होगा उनके साथ भी हम इसका प्रयोग करेंगे, समझ गए ना। जैसे एक सेंटेंस हम बनाते हैं, वह कमजोर है, वह कमजोर है, तो वह मेरा क्या हुआ, ही के साथ, वह ही के साथ क्या लेंगे, हेल्पिंग वर्ब, ये देखना ना, इज, He is weak. वह कमजोर है। मान लिया दिस का प्रयोग करेंगे तो दिस में क्या लगेंगे, यह एक कलम है, देख रहे देश, अब दिस क्या, अब सोचो दिस का क्या लगेंगे, अब यहां देखो दिस क्या लगा हुआ है, इज है ना, इज लेंगे, दिस इज ए, यहां पर लिखना पे, This is a pen. यह एक कलम है, देख रहे ना, एक जाति का बोध हो रहा है। आगे देखते हैं, चलिए पुल्लर में चलते हैं। तो पुल्लर में क्या होगा ना, आप समझिए पुल्लर में क्या होता है, एक से अधिक, दे मतलब वे लोग, दीज मतलब ये सब, दोज वे सब, देयर का कोई नाम नहीं होता, आप सब्जेक्ट रूप में देयर का प्रयोग करते हैं, देयर वाइनिस्ट है, कॉमन है, देयर इज में भी आता है, देयर आर भी आता है, तो वो देखना पड़ेगा सेंटेंस क्या है, किस प्रकार का है, सिंगुलर वर्ब, देयर इसका लगेंगे, इस लगाएंगे, और प्लुरल लगा तो आर लगाएंगे। उसके बाद है एंड,
प्लुरल नाउन। प्लुरल नाउन का मतलब होता है किसी दो एक से अधिक, यानी दो तीन चार पांच, चाहे व्यक्ति का नाम होगा होगा या संस्था का नाम होगा, वस्तु का नाम होगा, किसी भी प्राणी का नाम होगा, एक से अधिक होगा तो वो मेरा प्लुरल नंबर। नंबर आपको समझ में आ गया? नंबर मेरा सब्जेक्ट क्या रहा? दे रहा, बीज रहा, दोज रहा, देयर रहा, एंड रहा, प्लुरल नाउन। इन सभी के साथ हम क्या यूज करेंगे? आर का प्रयोग करेंगे। अब आप देखिए, हमने आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन जितने सारे सब्जेक्ट है और इन सब्जेक्टों के साथ हम इज एंड का प्रयोग कैसे करेंगे, आज आप इस वीडियो में देखकर सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और किसी प्रकार सेंटेंस बनाने के लिए आपको यह समस्या का दूरी हो जाएगा। अब कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए हम एक दे पर सेंटेंस बनाते हैं। दे के साथ हेल्प नंबर आर आएगा, लिखते हैं दे मतलब वे लोग स्वस्थ हैं। दे वे लोग बहुत सारा आदमी हेल्प में करना चाहिए, आर होना चाहिए कि दे के साथ आर लगता है, दे आर आ गया ना, आर के साथ और प्रकार के स्वस्थ है, स्वस्थ या तो हेल्दी एची E-A-L-T-H-Y, हेल्दी, यानी वे लोग स्वस्थ है। इसी प्रकार दीज, दोज, देयर, प्रोनाउन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मान लेंगे राम और मोहन, राम और मोहन धनी है। यहां पर आप देखते हैं राम और मोहन धनी है, तो राम में क्या, राम का नाम तो नाउन है, तो राम का इंग्लिश में राम ही होगा, आर्य राम, और का इंग्लिश होता है एंड, एम ओ एच ए एन, मोहन, राम एंड मोहन, यहां पे लगाएंगे आर। आप सोचोगे कि यहां पे आप देखते हैं राम एंड मोहन के साथ आप क्या इंग्लिश लगाओगे, एम लगाओ, आर लगाएंगे, तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? तो सबसे पहले ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के साथ आप इज और या तो आर का प्रयोग कर सकते हैं, इज का प्रयोग करेंगे नहीं। क्यों? यहां पे दो व्यक्ति का बोध हो रहा है, जब दो व्यक्ति का बोध होगा तब हम इज का प्रयोग नहीं करेंगे। तब मुझे बचा क्या? तब आपको आर ही लेना पड़ेगा, क्योंकि हम इन प्रेजेंट में हैं, आज हम प्रेजेंट का वीडियो बना रहे हैं, इसीलिए ये प्रेजेंट कंडीशनल सेंटेंस का वीडियो बना रहे हैं, सेंटेंस बना रहे हैं। तो राम एंड मोहन आर धनी क्या होता पता है आप लोगों को? रिच। इस प्रकार से आप समझने का प्रयास करेंगे, हर चीज को बारीकी से देखेंगे। सब्जेक्ट आई के साथ एम लगाते हैं, वी के साथ आर लगाते हैं, फर्स्ट पर्सन में, सेकंड पर्सन में सिंगल और प्लुरल जो है सब्जेक्ट मेरा यूए होता है, दोनों के साथ आर ही लगते हैं। थर्ड पर्सन में क्या होगा, थोड़ा सब्जेक्ट मेरा लंबा है, ही, सी, इट, दिस, दैट, देयर एंड सिंगुलर नाउन के साथ हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, दे, दीज, दोज, देयर एंड प्रोनाउन के साथ क्या लगाएंगे, हम आर का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से आप इस वीडियो को बारीकी बारीकी से देखिए, जो आपको समझ में नहीं आ रहा है उस चीज को फिर से दोबारा देखिए, और इतना ही नहीं, अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए मुझे, आप हम सिर्फ आप बताएंगे तब इज का प्रयोग कैसे करेंगे, एम का प्रयोग कैसे करेंगे, आर का प्रयोग कैसे करेंगे, वो भी चीज आपको हम बताएंगे अकेला आपसे, तो एक एक करके बताएंगे, यहाँ तीन है हम एक एक करके बताएंगे, अगर इसमें समझ में नहीं आ रहा है तो इसे प्लीज कमेंट कीजिएगा, तब पता चलेगा मुझे कि क्या आप लोग सीखे या नहीं सीखे, इसके बारे में आपको कमेंट कीजिए। दूसरी बात, इस वीडियो को देखने के बाद एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका बनता है, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और एक बेल आइकन का बटन होता है उस पर आप प्रेस कीजिए, जिससे आपको नए नए वीडियो आपको आसानी से मिल जाएंगे, और ये आपको इतने सरल भाषा में आपको बताऊंगा जो एक भी चीज आपको समस्या नहीं होने वाली है। आप आसानी से इस वीडियो के माध्यम से, लक्स स्टडी के माध्यम से आप इंग्लिश आसानी से बोल सकते हैं, और इतना ही नहीं, बोलना ही नहीं है, आपको सीखना है, समझना है, लिखना है, पढ़ना है, सब कुछ इस स्टडी सेंटर से आपको मिल जाएगा।